दोस्तान की सरजमी पे आज तक बेशुमार हादसे हुए, मगर चंद खौफनाक हादसे ऐसे भी हुए जिनकी याद ताजा होते ही हर इंसान का दिलो दिमाग कांप उठता है। आज से 20 बरस पहले इस आलीशान महल में जागीरा नाम का एक जागीरदार अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। अमावस की एक भयानक काली रात थी, सारा आलम नींद की आगोश में डूबा हुआ था और जागीरा भी अपने बिस्तर पर सो रहा था। यकायक हवा के पाक दामन को चीरती हुई एक दुष्ट आत्मा उसके जिस्म में दाखिल हो गई और वो बेतहाशा चिल्ला उठा। खून देखकर आज हमारी आंखों में खून उतर आया है, कसम टपके हुए इन खून के कतरों की। जब तक खून का बदला खून से नहीं लेंगे, ना खुद चैन से जिएंगे, ना दूसरों को जीने देंगे। महाराज, आज तक तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपके महल में घुसकर दो दो खून करके साफ निकल जाए। हम हैरान हैं कि महल में इतने नौकरों के होते हुए भी ये जलील हरकत किसने की। यही तो हम सोच रहे हैं, मगर अब कोई मिलेगा भी कैसे? आज का सूरज ढलने से पहले हम उस गुस्ताख की जिंदगी का सूरज अपने कदमों तले कुचल डालना चाहते हैं। यह हमारा फैसला है। पूरे एक महीने बाद उसी घड़ी उसी पल अमावस की काली डरावनी रात को वही दुष्ट आत्मा फिर बेखबर जागीरा के जिस्म में दाखिल हो गई। Thank you.
पुरानी चोला उतार कर दोबारा शैतान बन गए और खूनी दरिंदा वहशत का कफन बांधकर गांव की तरफ निकल पड़ा।
हादसे के बाद लोग इस महल को खूनी महल के नाम से पुकारने लगे। मौत की दहशत से लोग गांव छोड़कर कोसों दूर भाग गए और एक अमावस की रात को गाड़ी का इंजन खराब हो गया। अब क्या होगा? क्या होगा, रात यहीं के घने जंगल में बितानी होगी। मगर कहाँ? जहाँ हनीमून मनाने के लिए कोई खूबसूरत सी जगह मिल जाए। चलें? चलो। छोटी सी जगह की तलाश थी, यहाँ तो इतना बड़ा महल मिल गया। वैसे सुहागरात मनाने के लिए जगह कम तो नहीं पड़ेगी। पहले ये तो पता कर लो कि ये जगह है किसकी। पता करते हैं, चलो। हनीमून के रंग में भंग पड़ गया, लेकिन अब ऐसा लगता है ऊपर वाला हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। वो कैसे? वो ऐसे कि ऊपर वाला चाहता कि हमारा हनीमून इतना एडवेंचरस हो कि वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाए। पहले जाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना इतनी सर्दी लगेगी और इतना बुखार हो जाएगा कि सारी जिंदगी के लिए यादगार बन जाएगा। हाँ, तुम भी बदल लो। हाँ, मैं भी कोई ठीक जगह देखकर कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ, कहीं और की यही क्यों नहीं? छोड़ूंगा। कैसे छोड़ूंगा? ये रात, ये बरसात, ये महल और ये तनाई और उस पर ये दो भीगे बदन, कौन कमबख्त छोड़ेगा?
जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। तो अब बारी है उस आइटम की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बंबई से आए हुए मशहूर डिस्को डांसर मिस्टर सूरज। ए सूरज, हो जाए। कम ऑन सूरज, डांस करना, काहे की नखरे दिखा रहे हैं? यस, कम ऑन सूरज, पक्का। हंगामा कर दूंगा, सबको दीवाना कर दूंगा, मैं तो हंगामा कर दूंगा, सबको दीवाना कर दूंगा, जिसको मेरा दिल आएगा, जिसको मेरा दिल आएगा, मैं उसको उड़ा ले जाऊंगा, मैं तो हंगामा कर दूंगा, सबको दीवाना कर दूंगा। मुझे पढ़कर नहीं है कोई भी डांसर, सारी दुनिया फिदा है मेरे डांस पर, जो किसी में है दम तो वो आए यहाँ, जो किसी में है दम तो वो आए यहाँ, और दिखला दे मेरी तरह नाच कर, हाँ मैं तो हंगामा कर दूंगा, सबको दीवाना कर दूंगा। जहाँ देखो वहाँ हुस्न का जाम है, एक से एक है हुस्न वाले यहाँ, एक से एक है हुस्न वाले यहाँ, और इनके लबों पे
मेरा नाम है। हाँ मैं तो हंगामा कर दूंगा, सबको दीवाना कर दूंगा। शर्मा गई, हाँ मैं तो हंगामा कर दूंगा, हर कब को दीवाना कर दूंगा। हाँ मैं तो हंगामा कर दूंगा, सब को दीवाना कर दूंगा। तुझ पे मेरा दिल आ ही गया, तुझ पे मेरा दिल आ ही गया। मैं तुझको चुरा ले जाऊंगा, मैं तो हंगामा कर दूंगा। लगता है आजकल सूरज तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, ऐसे चीज तुम कुछ कम नहीं हो। ये क्या बदतमीजी है? देव भाई साहब, आपने टेबल पर अगर चुपचाप जाकर बैठोगे तो अच्छा रहेगा, समझे? तू कौन है भाई? तुम्हारा बहन लगता है क्या? बहन तो नहीं, लेकिन होने वाला भाभी। रोमियो काफी है उसके लिए। दो मिनट के लिए ऊपर गया और यहाँ एक विकेट डाउन। अरे कहीं तो अपने कराबे से बाज आ जाए करो। वाह सूरज, तुम्हारा डांस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। और रोमियो, तुम्हारे कराटे का तो बस जवाब ही नहीं। थैंक यू। अच्छा रात बहुत हो गई है, बॉम्बे पहुँचना है, चले? हाँ राज, अब यहाँ से चलना चाहिए। जैसे आप लोगों की मर्जी, चलो। हाँ, लेट्स गो। मारा था? हाँ।
कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। बहुत प्यार करती थी ना तू अपने भाई से, हैं? ठीक है, ठीक है जी, इसको अपने भाई से मिला दे। अबे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे भाई ने तो बिगाड़ा है ना, वो हमारे खिलाफ गवाही देकर हमें फांसी पे लटकाना चाहता था ना, पर हम अपने दुश्मनों का नाम और निशान मिटा देते हैं और तुम उस घर का आखिरी नाम हो। मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो तुम्हें इतनी दूर इतनी सुनसान जगह लाते ही क्यों, और वो भी ऐसे वक्त पे कि यहाँ इंसान तो इंसान परिंदा भी पर नहीं मारता। क्या हुआ सूरज? क्या हो गया भाई? ओए होए, टायर गया है। ओह शिट, टायर पंचर हो गया। थैंक गॉड, जान तो बची, वरना मैं तो समझी थी आज तो गए। अंदर तुम गाड़ी चलाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अब तो रात इसी जंगल में काटनी पड़ेगी। ये अमावस की रात और इतना घना जंगल। अरे हमारे पास अपनी भी तो नहीं है। और नो प्रॉब्लम, सुबह कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। फिलहाल इस रात को यादगार बनाने के लिए हो जाए जंगल में मत। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। जी हमसे किसी अबला नारी के आंसू नहीं देखे जाते, ठीक है? हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन एक शर्त है, हम जो जो कहेंगे तुम वो करोगी। तुम लोग क्या चाहते हो? वरना ये तुम्हारे सीने के पार होगा, समझी? उसके बाद तो तुम लोग मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ हम छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, प्रॉमिस। बालिकी, अगर तुमने जरा भी आवाज की तो ये तुम्हारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। अब एक एक करके अपने सारे वस्त्र उतार दी जाओ, समझी? नहीं समझी?
तुमने तो कहा था कि हम दुश्मन का नाम और निशान भी मिटा देते हैं, फिर तुम्हें कैसे छोड़ दें हैं? बचो! अरे तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या? हाँ, उन खंडरों में से आई शायद। चलो देखते हैं। मगर आपने तो कहा था हम जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, समझी? नहीं समझी? अभी समझाता हूँ। चंदन, राजेंद्र कुमार जी रुके थे माला सिन्हा जी के साथ फिल्म धूल का फूल में, उसके बाद भूल पर भूल होती चली गई। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। कब हुआ? अरे पीछे की गड़ भपकी दे रहा है, बहुत अंधेरा है, कोहरा है, दहशत बढ़ती जा रही है, और ये महल भी फिल्म 20 साल बाद जैसा दिख रहा है। माली कहाँ है? बहुत डर लग रहा है कंगुआ। जो फिल्मों में होता है वो जिंदगी में नहीं होता। मगर जो जिंदगी में होता है वही तो फिल्मों में होता है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं तो लव स्टोरी हो जाएगी। कंगुआ, तुमको हमारे साथ अंदर चलना पड़ेगा, और ये हमारा हुक्म है। रजिया सुल्तान की तरह, और हमको हुक्म बजाना होगा गुलाम याकूत की तरह। चलो चल के हमारा मुंह काला कर दो। चलो दरवाजा बंद हो गया, फिल्म दरवाजा की तरह। कहीं दिल चले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तो सुनसान हवेली है, यहाँ रेडियो तो है नहीं। मालकिन, ये गाना आप गा रही थी का? ओफो गंगुआ, अब तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, बिल्कुल चुप रहोगे। मैं चुप रहूंगा, फिल्म मैं चुप रहूंगी की तरह। दावा, चलो ना, चलो ना। अरे बाप रे, ये महल तो बहुत बड़ा है,
दिली मुगले आजम के सी इस्माइल की तरह प्यार किया तो डरना क्या। वही तो मैं कहती हूँ, तो फिर घड़ी घड़ी डरते क्यों हो? अरे इसलिए डरते हैं कि अंधेरा बहुत है। तो वो मोमबत्ती जला लो ना। समझ गए, लगता है आज हमारी मोमबत्ती जल जाएगी। कहीं दिल जले कहीं दिल, जरा देख ले मोमबत्ती का है। अरे वाह, इतने बियाबान जंगल में इतना आलीशान महल। ये कोई महल है? मुझे तो कोई भूतिया खंडर लगता है। भाई महल हो या भूतिया खंडर, आज रात काटने के लिए इससे बढ़िया जगह और हो नहीं सकती। नहीं राज, ये खूनी महल है। यहाँ जगीरा नाम का एक भूत रहता है जो हर आने वाले आदमी को मार डालता है। क्या? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मैंने हाल ही में एक मैगजीन में पढ़ा है, उसमें इस महल की तस्वीर भी दी गई थी। ये हूबहू वही महल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी पत्रिकाएं मत पढ़ा करो, इनको पढ़ने से कभी कभी जगीरा दिखाई देने लगता है, कभी जंगारा। पर राज, अगर मैगजीन वाली बात सच निकली और यहाँ सचमुच कोई भूत हुआ तो? अरे लेकिन इस वक्त खतरा भूतों से नहीं, इंसानों से, जो स्टैंगल ये कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे। राज, ये वक्त बात करने का नहीं है, चलो उधर। नहीं राज। ओफो रीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, आओ। अरे कंगुआ, ये क्या कर रहे हो तुम? मालकिन सेवा कर रहे हैं, फिल्म नौकर बीवी काके धर्मेंद्र जी की तरह। मैं तुम्हें यहाँ सेवा करने थोड़ी लाई हूँ। तो फिर क्या करने लाई हो? मैं अपना बनाने लाई हूँ। मालकिन, वाह वाह, लगता है यहाँ के मालिक आ गए। चलो यहाँ कहीं छुप जाते हैं। चलो चलो, यहाँ आग ही आ गए। चलो ना, व्हाट अ प्लेस। Really beautiful place. अरे ये देखो, मोमबत्तियां जल रही, लगता है यहाँ कोई रहता है। मैं कहती हूँ मैंने खुद पढ़ा है यह जगीरा नाम का भूत है। चुप 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 चुप। वैसे इस महल को देखकर लगता जरूर है कि यहाँ कोई चौकीदार या माली होना चाहिए। ठीक है, उसी से रिक्वेस्ट करके हम यहाँ रात बिता लेंगे। राइट राइट। अरे कोई है? मालकिन, कबटिया के पीछे इस तरह हमको जुटा हुआ अगर वो लोग देखेंगे तो हमरे तो चरित्र पर बट्टा लग जाएगा। हम ही महल का ऊपर से कूद कर अपना जान दे देंगे। फिल्म मधुमती की विजयंती माला जी की तरह हमारी इज्जत लुट गई, लुट गई। अरे बेवकूफ, तुम्हारी इज्जत को नहीं, मेरी इज्जत को। अरे कोई है? कोई है? कोई नहीं है, मगर है, मगर है, कोई नहीं है। चल, यहाँ कौन है तेरा? मुसाफिर जाएगा कहाँ? ये महल एकदम सुनसान है, फिल्म पुराना मंदिर की तरह। माफ कीजिए भाई साहब। माफ किया, बाद में आप भी हमें माफ करना। आगे बोलो। वो बात यह है कि हम लोग मुसीबत के मारे हुए हैं और हम भी मुसीबत के मारे हुए हैं। आगे बोलो। सुबह चले जाएंगे, सिर्फ रात यहाँ काटना चाहते हैं। क्या काटना चाहते हैं? रात। रात काटना चाहते हैं? जी हाँ। वो तो हम भी काटना चाहते हैं। आगे बोलो। तो फिर आप लोग यहाँ के मालिक नहीं हैं? नहीं। तो आप लोग भी यहाँ के मालिक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग यहाँ के मालिक नहीं हैं, तो फिर आप लोग यहाँ आए कैसे? दरअसल बात यह है कि हम दोनों घर से भाग कर आए हैं। भाग कर? फिल्म बॉबी की तरह, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ ये हमको भगा कर लाई है। लेकिन आप भागे क्यों? इसलिए कि हम मालकिन के वफादार नौकर हैं, फिल्म साहेब बीबी गुलाम में जैसे गुरुदत्त जी नौकर थे वफादार। तो फिर ठीक है, हम लोग सब मिलकर रात काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं? रात काट लेते हैं। लगता है वो इसी महल में गए होंगे, क्योंकि इस घने जंगल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो लोग अपना सर छुपा सके। तो फिर इसी महल में हम उनकी खबरें खोद देंगे, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने हमें कत्ल करते हुए देखा है बल्कि हमारी तस्वीरें खींचने की भी गलती की है। चलो। इस दरवाजे को ताला लगा दो, अगर वो अंदर हैं
अब कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। देखो भाई, मेरी सलाह थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया जाए, वरना इतनी लंबी रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो सभी अपने अपने कमरे चुन ले। बिल्कुल ठीक, फिर जिसका दिल चाहे वो सो जाए और जिसका दिल नहीं चाहे वो नहीं। लड़कियाँ एक रूम में और लड़के एक रूम। दैट्स राइट, लड़कियाँ एक रूम में, लड़के एक रूम में, फिल्म जवानी दीवानी की तरह। तो चलो फिर रूम क्लिक करें। कोई भी अपनी जगह से हिले तो उसकी खोपड़ी उड़ा देना। खोपड़ी उड़ा देंगे? अरे अच्छी खासी जवानी दीवानी चल रही थी, ये बीच में मेरा गांव मेरा देश कहाँ से घुस गया? बकवास मत करो वरना तुम्हारी खोपड़ी सबसे पहले उड़ेगी। अरे भैया इतने गर्म काहे हो रहे हो, सोने के गब्बर सिंह की तरह। बॉस लगता है ये जोड़ियाँ अपनी रात हसीन करने के लिए इस सुनसान महल में आई। लेकिन इन लड़कों से पहले हम अपनी रात हसीन बनाएंगे। लड़कों एक तरफ हो जाओ, जो भी कहता हूं मानते जाओ, समझे? जीत ये नहीं समझे, समझा दो। जनान खाने में गोली चल रही, चलो हम लोग मर्दाने में चलते हैं। अब जिस खोपड़ी की तरफ ये बंदूक जाएगी उसकी महबूबा एक एक करके अपने कपड़े उतारेगी। हाँ, और जिस महबूबा ने कपड़े ना उतारे हम उसके आशिक की खोपड़ी उड़ा देंगे। महबूबाओ, तुम्हारे ये कपड़े इनकी खोपड़ियों से ज्यादा कीमती नहीं है, क्या समझी? तेरी माशूक कौन सी है तो? नहीं। अच्छा तो ये हरी भरी जवानी इसकी महबूबा है, वाह अच्छी है। उतारो। नहीं नहीं कर, नहीं तुम कपड़े मत उतारना। रुक जाओ, उसे मत मारो, मैं कपड़े उतारती हूँ। तुम्हारे बारे उतारो। हाय हाय, और अब तेरी बारी। ये लो, तो लो, तुम्हारे चूहे जैसा बदन देखने का हमें कोई शौक नहीं है, हमें तो चिकने जिस्म देखने का शौक है। राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी की तरह, अरे उतार दे जल्दी, जैसे पद्मिनी कोल्हापुरी ने इंसाफ के तराजू में धड़ाधड़ उतारे थे। अरे जय बी आर चोपड़ा, जय बी आर चोपड़ा। अरे नहीं तो इसकी ये बंदूकिया हमको बेमौत मार देगी, अमिताभ बच्चन को जैसे सोले में मार दिया था। चुप है, चुप है, अरे नहीं चुप है। उतारो उतारो, नहीं उतारो, उतारो उतारो, करो। लाल छड़ी तो अब बची तुम्हारे वाली, इसका भी बदन देख लेते हैं। उतारो। Thank you.
मारेंगे ये सब। बंदूक उठा ले जाके। खबरदार, जो कोई हिला तो हम खुद हिल रहे हैं, हम खुद हिल रहे हैं। तुम नहीं हिलना, नहीं तो भून कर रख देंगे चना बटाने की तरह। अमिताभ बच्चन जी ने जैसे फिल्म इंकलाब में भून कर रख दिया था। चलो गुंडा पार्टी, एक तरफ आओ, एक तरफ आओ। चल मैं मजा चखाता हूँ। अच्छी अच्छी, एक तरफ आओ। गुंडा है इसीलिए हाथ चुंडा है। बोलो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तुम लोगों के साथ का सुलूक किया जाए। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, बल्कि बांध दिया जाए और पुलिस के हवाले कर दिया जाए। फिल्म अंधा कानून की हेमा मालिनी जी की तरह। मगर कानून मेरी मुट्ठी में, कानून मुट्ठी में न लो। इन लोगों ने किया क्या है? इन लोगों ने एक लड़की का मर्डर किया है और रेप किया है, अर्थात बलात्कार और कत्ल। यस, फिल्म चीख की तरह। जयमोहन भाकरी, बांधो इनको, बांधो सालों को। राज, इन्हें बाहर बांधते हैं। साले रात भर सर्दी में सुकड़ेंगे और इस महल से दूर भी रहेंगे। सुबह होते ही इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ले जा, ले जा। अरे जा, ऐसे कहाँ देख रहा है, जा रहे है, ले जा, नहीं तो गोली डाल देंगे हम तुमको। ले जाओ, कपड़े उतार के बांधो सालों को, सर्दी में ठिठर जाएंगे। तुम लोग नहीं ठिठरो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अरे फिल्म रखवाला के धर्मेंद्र जी की तरह। ओ मेरे हीरो गंगुआ, गंगा की सौगंध का सुगंध आ रही है। चमेली का तेल लगाई होगा? नहीं, परफ्यूम। ये लो सूरज, बांध दे इसको। ये मत सोचो कि ये सब करने के बाद भी तुम सलामत हो। एक बात याद रखो, एक बार जिससे हमारी दुश्मनी हो जाए, उसका बोझ धरती ज्यादा देर तक नहीं सह पाती। क्या समझे? नहीं समझे? रात भर यहां रहने के बाद तुम्हारा वहम दूर हो जाएगा और बाकी की गलत फहमी कल सुबह पुलिस दूर कर देगी। क्या समझे? नहीं समझे? ब्रूसली जी, कसके बांध दिए हो ना, कहीं वो तीनों 3D के सामरी की तरह फिर से ना आ जाए। सवाल नहीं पैदा होता, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा भाई साहब, अब ये बताइए कि सोने का बंदोबस्त कैसे किया जाए? जैसा था, लड़कियां एक रूम में और लड़के एक रूम में। कहीं वो तीनों छूट के आ जाए या फिर वो भूत। नहीं राज, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। लो तो ये तो आ गए। ठीक है, हर जोड़ा अपना अपना कमरा चुन ले। आ जाओ जाने मन। तुम इधर क्या कर रहे हो? चलो ऊपर। मालकिन, तुम हमारी रक्षा करना पुतली भाई की तरह। डोंट वरी गंगू। अरे हट, नहीं मगर नहीं। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। चलो ना। और कुछ नहीं। तुम्हारे ख्याल में पिंजर कुछ नहीं होता है क्या? अरे नहीं, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक महलों में पिंजरे पिंजरे तो होते ही ना। राज, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते?
इस महल में कुछ ना कुछ जरूर है। चलो इस कमरे में हमें नहीं रहना, हम किसी दूसरे कमरे में रहेंगे। Come on, darling. इस महल को बरसों से नहीं खोला गया, इसलिए इसके हर कमरे में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। मुंडों से हम टक्कर लेते और ना इस खंडर में हमें रात बितानी पड़ती। अरे हुजूर, आप इसे मुसीबत समझते हैं? अरे हम तो इसे खुदा की नियामत समझते हैं। आलीशान महल का मोमबत्तियों से रोशन ये आलीशान कमरा और ये शाही सेज जिसपे कभी दो जवान दिलों ने एक दूसरे की बाहों में सिमटकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया होगा। एडवांस में हनीमून मनाने का इससे अच्छा रोमांटिक एटमॉस्फेयर और क्या होगा? ए मिस्टर, अपनी ख्वाबों की दुनिया से निकलिए और चुपचाप इस कुर्सी पे सो जाइए। अबा, मैं अकेली इस पलंग पे सोऊंगी। ओके, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे गंगवा, हाँ? तुमने यहाँ खाने का ये सब कैसे इंतजाम किया? रोटी, कपड़ा, मकान, श्री मनोज कुमार जी महान पिक्चर बनाए थे देखे, वो पिक्चर का बात समझ में नहीं आया? अरे तीन चीज जिंदगी में बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान। सो मकान यहाँ है और बहुत बड़ा है, कपड़ा है जरा कम है मगर चलेगा, मगर रोटी बिना नहीं चलेगा, इसलिए हम घर से रोटी बांध कर लाए थे। अरे वाह गंगवा, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। पर हमारा एक सवाल है मालकिन। क्या? ओ ये कि ये बना कैसन है? अच्छा है ना? थोड़ा अच्छा है पर थोड़ा नमक कम है। अरे तो हम नमक हराम के अमिताभ बच्चन की तरह है का? अरे हम नमक हलाल के अमिताभ बच्चन की तरह हैं। अरे निकल निकल, ये देखो हम नमक भी लाए हैं। डिचांग 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 डिचांग। और मिर्ची? वो भी लाए हैं, लाल नहीं है मगर है, ये देखो काला मिर्च। मैकर 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 मैकर। अगर तुम कहो ना मालकिन, वो जो अंग्रेजी चटनी होती है ना सॉस, वो जो बाटला का अंदर बंद रहती है, वो भी लाए हैं। कहो तो निकाल। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ एक आंख दूसरे आंख को किस तरह चला रही। रीना साहब, साहब क्या? अभी नहीं, वो अभी फन फैला खड़ा है। तो तुम कुछ करो ना बाबा, मेरी तो जान निकल जाएगी। कुछ हो तो करूँ ना, कुछ नहीं। क्यों? क्या मैं तुमसे बात नहीं करती? अरे रीना, तुम बहुत ही डरपोक हो। मैं इसी तरह के मजाक से तुम्हें कई बार डरा चुका हूँ, तुम एक ही डरती रहती हो। याद है इसी तरह का एक मजाक हमारे प्यार की पहली सीढ़ी था। मैं और तुम कॉलेज के एक टूर में अकेले में अपने आप बाकी सभी लड़की लड़कियों से दूर किस तरह अपने आप में खो गए थे। रिया शेख, कहाँ है शेर? अजी शेर सुना नहीं तो आएगा कहाँ से?
तुमने मुझे फिर बेवकूफ बनाया। क्या मैं तुमसे नहीं बोलती? अजी बोलने बोलने की जरूरत क्या है, देखो मेरा दिल कितना धड़क रहा है। देखो छोड़ो मुझे, डर मुझे लग रहा है और दिल तुम्हारा धड़क रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने अपना दिल तुम्हें दिया है जो तुम में धड़क रहा है, और तुमने मुझे अपना दिल दिया है। ये रीना, रीना मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया। मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया। लेने देने में, लेने देने में दिन से रात हो गए, और जिसका डर था वही बात हो गई। अरे जिसका डर था वही बात हो गई। मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया। मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया। लेने देने में, लेने देने में दिन से रात हो गई, जिसका डर था वही बात हो गई। ओ जिसका डर था वही बात हो गई। मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया। मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया। देख कर हुस्न तेरा मैं तो दीवाना हुआ, देखे आंखों से तेरी मैं तो मस्ताना हुआ। खो गया तेरी कसम तेरे जलवों में सनम, खो गया तेरी कसम तेरे जलवों में सनम। बड़ी प्यारी है मुलाकात हो गए, और जिसका डर था वही बात हो गए। अरे जिसका डर था वही बात हो गए। लहरा के जरा जान मन जान अदा, दिल को सोली तो
पर जाते होंगे, जिसका डर था वही बात हो गई, जिसका डर था वही बात हो गई। मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया, लेने देने में लेने देने में दिन से रात हो गई, जिसका डर था वही बात हो गई, जिसका डर था वही बात हो गई। अभी तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ सुनी, तो क्या हुआ? तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? अरे ऐसे घने जंगल में ये आवाज नहीं सुनोगी तो क्या डिस्को रिकॉर्ड सुनोगी? तुम हर बात को इतना लाइटली क्यों लेते हो? क्योंकि मैं जिंदगी को लाइटली लेता हूँ डार्लिंग। कम से कम आज की रात तो जिंदगी को सीरियसली ले लो। क्यों? क्योंकि आज की रात हम इस महल में यहाँ का खौफनाक मंजर जिंदगी का दुश्मन लगता है। अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमारी जिंदगी के तीन दुश्मन बने पड़े हैं बाहर। टीना, तुम खामखा इन दोनों बातों से डर रही हो। अरे महल का एक खौफनाक मंजर डरने के लिए नहीं है, एंजॉय करने के लिए है। और रही बात उन तीनों की, उनको तो ऐसे बांध दिया है कि सुबह तक नहीं छूट पाएंगे वो। हाँ
डर लग रहा है। तुम क्यों नहीं सोए? दिल कुछ चाहता है। क्या? जानती हो वो क्या कर रहे हैं? किस? ए, अभी मिले? Shut up. देखो, शराफत से मान लो, वरना हम उन जाने वालों में से हैं जो बिना तुम्हें लिपटाए बिना तुम्हें छुए किस ले सकते हैं। क्या? हाँ, बिना तुम्हें लिपटाए बिना तुम्हें छुए। Impossible. कोई किसी को बिना लिपटाए बिना छुए किस कर ही नहीं सकता। लग गई शर्त। तुम बिना लिपटाए बिना छुए किस कर सकते हो? हाँ भाई, लगा लो शर्त 10-10 रुपए की। लगी शर्त। चलो आंखें बंद करो। लो, तुम कोई शरारत तो नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, 10 रुपए का सवाल है, हाउ कैन आई ना। बिल्कुल। चलो, मैंने अपनी आंखें बंद की। किस हो गई क्या? अरे नहीं भाई, जब हो जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर जल्दी करो ना बाबा। तुमने मुझे कहा था तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। अरे मैंने तुम्हें छुआ क्या? ओ हो हो हो, ये शर्त तो मैं हार गया। एनीवे, ये लो 10 रुपए। मुझे नहीं चाहिए ये 10 रुपए, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अरे धोखा किस बात का है भाई? देखो, जब दो आदमी शर्त लगाते हैं ना, तो किसी एक आदमी को तो हारना ही पड़ता है ना। सो मैं हार गया। चलो 20-20 रुपए की लगा। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अब समझा, जब इंसान पहली बार चूमता है ना, तो उसके जिस्म में आग सी लग जाती है। आग लगी ना? शायद हाँ। तो एक काम करो, बाथरूम में जाओ, ठंडे पानी से नहाओ। ठंडा पानी सर पे पड़ेगा, जिस्म अपने आप ठंडा हो जाएगा। चलो 20 रुपए की शर्त मत भूलना। क्या हुआ? तुम्हारा सर कब तक ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहोगे? हरकत? ये एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस। कराटे में मैंने ब्राउन बेल्ट जीता है। अगर रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो ब्लैक बेल्ट जीतेगा। फुल ऑफ बॉडी बनेगा, आयरन मैन, आयरन मैन। ब्राउन या ब्लैक बेल्ट हासिल करने से मर्दानगी साबित नहीं होती। पहले किसी का दिल जीतो, उसके बाद अपने आप को मर्द कहो। दिल? तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है, हमारा दिल हमारे पास है, दिल कैसे जीतू? इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। दिल ऐसे जीतते हैं। ओ, यू मीन सेक्स? नो नो नो, हमारे गुरु ने बोला अगर कराटे सीखना है तो नो सेक्स। सेक्स कराटे के लिए खराब है। तुम्हारा गुरु बेवकूफ था। नहीं 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 नहीं, हमारा गुरु बेवकूफ नहीं था, हमारा गुरु था चिंगशो चिंगशो चिंगशो। ठंडे पानी में ना कर तुम्हें ठंडक पहुंची है? नहीं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ राज।
तुम जाओ यहाँ से। यार एक तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, ऊपर से तुम मुझे भगा रही हो यहाँ से। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। नाउ विल यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर राज। अच्छा बाबा चलते हैं। रीना जगीरा देखा तेरे डर गई ना है? What? Yes, कुछ नहीं है वहाँ पे। तुमने मुझे फिर बेवकूफ बनाया। Yes. You rat. अरे अरे रीना रीना गीला हो जाऊंगा। अब आ भी जाओ किरण, कब तक टर पाओगे? सूरज निकलने तक। उस सूरज के निकलने तक तो ये सूरज ढल जाएगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो सूरज मेरे पास मत आना। अरे किरण भी कभी सूरज से दूर रही है? अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक अब देखो सूरज मेरे पास मत आना। अरे कैसे नहीं आना, मैं कूद जाऊंगी। हाँ मैं सच कह रही हूँ, हंसो मत, मैं कूद जाऊंगी। आजा आजा। आ, क्या कर रहे हो सूरज? क्या कर रहे हो सूरज? अच्छा अंदर आने दो मुझे। अब और इंतजार नहीं होता किरण। सूरज मुझे डर सा लगने लगा है। मुझसे? अपने आप से और तुम्हारी गर्म सांसों से। इन सांसों को ठंडा भी तुम्हें कर सकते हो किरण। डर लगता है कहीं ईश्वर और ना भड़क जाए। नन्हे की और भी हंसी हो जाएगी। और अगले महीने तुम्हारी शादी होने वाली है, तो भी ये डर कैसा? होने वाली है कोई तो नहीं? चंद रस्म रिवाजों का ही तो फर्क है। क्या हमारे प्यार को अब भी इस जमाने के इन छोटे मोटे ढकोसलों के सहारे की जरूरत है? छोटे मोटे ही सही मगर जरूरी है सूरज। विधि अनुसार न की गई पूजा तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है ये रस्म भी हम पूरी किए देते हैं। आओ। मैं अग्नि देवता को साक्षी मानकर भगवान की सावन खाकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। और ये जन्म तो क्या सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करता हूं। सूरज आई लव यू। अब आ जाओ मैदान में। डरते हो? हमसे सब डरते हैं। जाओ। माफ किया रोमियो। क्या बोला? रोमियो तुम हर वक्त कराते करते रहोगे तब मैं क्या करूंगी? तुम भी करो ना। तो कराओ ना। तुम क्या समझते हो मुझसे अकेले इस तरह कूदा जाएगा? ठीक है पहला लेसन सामने वाले की आंखों में आंखें डालो। तो फिर डालो ना। करो। दूसरा लेसन सामने वाले पर अटैक करो। तो करो ना। अच्छा हाथ ऊपर करो। उई माँ बहुत दर्द होती है। पहली पहली बार कोई चोट मारे तो दर्द होता है। सर दूर हटो। तीसरा लेसन सामने वाला अगर अटैक करे तो हाथ पीछे रखो, उसको आप मारो। ठीक है तुम अटैक करो। रेडी? रेडी। क्या कर रही हो? अब सब कुछ तुम सिखाओगे? क्या मुझे भी कुछ करने दोगे? अरे अरे तुम्हारा गुरु क्या कहेगा? वो तो बेवकूफ था। Oh
डाका डालो इज्जत पे ना डाका डालो इस आदमी और इंसान की तुमको कसम है प्राण की तुमको कसम इज तुमको कसम रहमान की तुमको कसम इज्जत पे ना डाका डालो इज्जत पे ना डाका डालो इस आदमी और इंसान की तुमको कसम है प्राण की तुमको कसम अरे तुमको कसम रहमान की तुमको कसम बॉबी जाओ जुली जाओ हमें रहने दो गवार हमें रहने दो गवार डरता मोहब्बत से इतना क्यों जानी बन जा तू राजा बना मुझको रानी प्यार की दुनिया बसा आ मेरी बाहों में आ प्यार की दुनिया बसा आ मेरी बाहों में आ ओ रानी वहीं रुक जाना ये राजा के पास नहीं आना जवानी दीवानी कहीं ना हो जाए ओ रानी वहीं रुक जाना ये राजा के पास नहीं आना जवानी दीवानी कहीं ना हो जाए तेरे हाथ में डर के मारे कांप उठा हूँ कैसे आऊँ साथ में इस अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में डर के मारे कांप उठा हूँ कैसे आऊँ साथ में इस अंधेरी रात में मेरे सपनों के राजा यहाँ आ जा तू बाहर खतरा पड़ा है वहाँ ना जा तू आजा अंग से अंग लगा जा तू ना जा तू रुक जा मैं चला आजा तू रुक जा मैं चला लो मैं चला रानी यार तेरा आजा ले ले तू प्यार मेरा हो ओ आजा आजा ना 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 आजा 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 मालकिन मालकिन हमारी बात सुनो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मालकिन हमको लिपटाए लो जैसे श्री देवी जी ने श्री जितेंद्र जी को लिपटाए लिया था विलित दोभा के अंदर मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करना है जिस तरह तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गए थे उसी तरह यहाँ से निकल जाओ मालकिन तुम तो हमारी हीरोइन हो विलन निकल रोल न करो बाहर राम से ब्रदर का हीरो घूम रहा है तो हमारी
अच्छा तो तुम डर गए हो? यहाँ रहना है तो मुझसे एक वादा करो, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? ये वादा रहा, न होंगे जुदा, न होंगे जुदा। तो फिर ठीक है, ठीक है। गंगवा आली आंगावर, नहीं ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा होगा क्योंकि बाहर राम से ब्रदर का सामरी है और अंदर राजकुमार कोहली की नागिन है। गंगवा समझौता का मुंह से कर ले, मालकिन को बाहों में भर ले। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, खजूर नहीं है खजुराहो है। Thank you.
बड़ा मच्छर, मच्छर है कि खच्चर? अरे भूत है, अरे भूत है, हाथ में खंजर भी है, अरे खंजर ही बजा देगा, खंजर ही बजा देगा, अरे खंजर ही बजा देगा। अरे अरे भूत नहीं, घोड़ा है। अरे चला गया, आगे चल, आगे चल, अरे अरे आगे निकला। मालकिन तुमने कोई सपना देखा? तुम्हारी मुंडी सलामत है? हम सपना देखे, जैसे श्री जगदीप जी फिल्म सामरी में सपना देखे थे। मालकिन अब हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। मगर हम इस कमरे से बाहर भी तो नहीं जा सकते। क्यों, बाहर चेचक फैली है का? चेचक नहीं, बाहर भूत जो है। भूत बाहर है, कमरे के अंदर थोड़ी है। हम कमरे के अंदर छुपेंगे। मगर कहाँ? आओ हम बतावत है, आओ। अरे गंगवा, ये तुम कहाँ घुस रहे हो? अरे मालकिन, हम जहाँ घुसेंगे अकेले नहीं घुसेंगे, तुमको भी लेकर घुसेंगे। घुस जाओ अंदर, घुस जाओ। मगर क्यों? अरे अगर भूत यहाँ आएगा ना, तो इसको खाली भूत बंगला समझकर वो साला भी भाग जाएगा यहाँ से। आंखें बंद कर लो, अब वो हमको देख नहीं सकेगा। मगर गंगवा, अपनी आंखों के साथ साथ ये अलमारी भी तो बंद करो। क्यों? अरे हाँ, अलमारी बंद, अलमारी बंद, अलमारी बंद। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। राज, तुमने कुछ सुना? लगता है उन तीन गुंडों में से। ये उन तीनों की आवाज नहीं है, ये सूरज की है। सूरज की? लेकिन सूरज इस तरह क्यों चीखेगा? आओ देखते हैं। राज, कम ऑन रीना, कम। क्या हुआ सूरज, इतना क्यों चिल्ला रहे थे? किसने मार डाला? किसने किसको मार डाला? मेरी किरण। किरण? किरण को क्या हुआ? तुम वहां पर वो देखो, ये लगता है वो तीनों छूट गए, ये उन्हीं का काम है। चलो जूली रोमियो को जाके देखते हैं, चलो। वो देखो, वो। इन दोनों को भी मार डाला। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राज, ये देखो। आज उन तीन हरामजादों की आखिरी रात होगी। आ जा। Touch!
ये देखो। देखा राज, तुम कहते थे ना किरण और सबकी मौत का कारण ये तीनों बदमाश है, अब ये खुद ही। तो फिर ये खून कौन कर रहा है? वही जगीरा। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अब खुद ही देख लिया ना। ओफो रीना, अब थोड़ी देर के लिए जगीरे को भूल जाओ प्लीज। नहीं राज, हो सकता है रीना ठीक कह रही हो, आखिर कोई तो है जो सबको जान से मार रहा है। कोई नहीं, सिर्फ जगीरा है। जगीरा, मैंने सब पढ़ा है उसके बारे में, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इससे पहले कि ये जगीरा हम में से किसी की मौत का कारण बने, हमें ये महल छोड़कर भाग जाना चाहिए। हाँ सूरज, तुम ठीक कहते हो, चल भाग। ओह शिट, ये दरवाजा तो लॉक है। ये उन्हीं तीन हरामजादों का काम है, हटो हटो यहां से। चल नहीं रहा, खाली। अब क्या करेंगे? अब किसी भी तरह इस गेट के उस तरफ कूदना होगा। हाँ रीना, चलो चलो चलो, जल्दी करो रीना, चलो। क्या संभाल के रीना। नहीं राज, मैं इस गेट की उस तरफ नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम दोनों इस गेट के उस पार चले जाओ, कम से कम तुम दोनों की जान तो बच जाएगी। नहीं रीना, मेरी जान तुम्हारे साथ बंधी हुई, जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में। तो फिर ऐसा करते हैं राज, तुम यहां रीना की हिफाजत करो, मैं बाहर जाकर मदद लेके आता हूं। सूरज आराम से जाना, चलिए संभालो। सूरज सूरज संभाल के। राज अपना और रीना का ख्याल रखना, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वापस आऊंगा। और सुनो, अपना कमरा अंदर से बंद कर लेना, मैं यूं गया और यूं आया। ओके टेक केयर सूरज, मत डरो रीना, मत डरो। नहीं राज, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा रीना, मैं तुम्हारे साथ हूं। राज डरो मत। तुम कहाँ जा रहे हो राज? नीचे वो कांटा लेने। प्लीज मत जाना राज। रीना पागल मत बनो, इस वक्त कोई ना कोई हथियार हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ अकेली हूँ राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। रीना डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी गया अभी आया, ठीक है? राज
मर गया वो? नहीं, भाग गया। भाग गया? वो वहाँ। राज, तुम उसके पीछे मत जाना। देखो, अगर हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, उसे नहीं मारेंगे, वो हमें मार डालेगा। चलो। लगता है जगीरा यहीं से गया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। नहीं राज, मैं अभी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन रीना, वो मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी राज। ओफो रीना, मेरी बात समझ। नहीं, चलो। साथियों के साथ महल में रात गुजारने आया था, मगर वहां किसी ने मेरे साथियों को मार डाला। उस खूनी महल में ये सब कुछ तो होना ही था बाबू। अमावस की रात में जगीरा के चंगुल से परिंदा भी बचकर नहीं लौटता। शुक्र है कि तुम लौट आए हो। मगर मेरे दो साथी अभी वहां फंसे हुए हैं, मुझे उनके लिए वापस जाना होगा। क्या? जी हाँ, अगर आप में से कुछ लोग मेरे साथ चलते तो हम मिलकर। दीवानों जैसी बात मत करो बाबू। अमावस की रात को ना वहां कोई जाएगा तुम्हारे साथ, और ना ही जाने की तुम्हें कोई सलाह देगा। क्या वहां इतने लोगों का खून कर दिया गया? मेरे साथी वहां जान की बाजी लगाए हुए हैं, और आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा मेरे साथ? भाई साहब, आप तो चलेंगे ना? कोई नहीं जाएगा। खैर, मुझे तो वहां जाना ही होगा। ठहरो बाबू साहब, यह बंदूक लेते जाओ। हालांकि जागीरा के लिए ये खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लो कारतूस। भाई साहब, क्या आप मुझे वहां महल तक लिफ्ट दे देंगे? अरे भैया, उसी महल से बचने के लिए तो 3-4 मील का लंबा चक्कर काट के मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। देखिए, मेरा वहां जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी को बहुत खतरा है। अगर मैं वहां गया तो मेरी जिंदगी को खतरा है? ना भाई ना, मैं मजबूर हूँ। क्या मतलब? अब तुम्हारी जिंदगी को यहाँ खतरा है, मैं भी मजबूर हूँ। उतरो गाड़ी से। अरे बगैर गरीब पता ना। अरे कहां ले जा रहे हो मेरी गाड़ी? Thank you.
महाराज। ओके ओके। तुम यही ठहरो, मैं भी आ।
क्योंकि मैंने उस हत्यारे को मार डाला, मार डाला मैंने उस हत्यारे को, मार डाला मैंने। थैंक गॉड। मेरी किरण को मारा था ना, मैंने उसे खत्म कर डाला, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डाला। अब किसी को भी जगीरा से डरने की जरूरत नहीं है, जगीरा मर गए। सूरज, सूरज, नीरज, तुम नहीं जाओगे राज? नहीं नीरज, मुझे छोड़ दो। नहीं राज, नीरज मेरे पास। Oh, my God.
मेरा मोहन प्यारे जागो, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये महल हुआ वीराना। अरे बाप रे, इतना भयानक आग तो हम फिल्म बर्निंग ट्रेन में भी नहीं देखे थे। भाई साहब ये का है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग बच गए। और आपके बाकी साथी? उन सबको जालिम जगीरा ने एक एक करके मार डाला। मैं तो पहले ही कहती थी ये खूनी महल है, खूनी महल है नहीं था। अब तो हमने इस शैतान को जलाकर राख कर दिया है। पानी के सामरी जल रहा है। अरे इतना भयानक हॉरर ऑफ ड्रैकुला का कहानी जब हम अपने बच्चन को सुनाएंगे तो वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे। बच्चे? हाँ? इसका मतलब तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ रहोगे? अरे सगरी रहन तुमरे संग कबटिया में बिताई। अगर शादी नहीं करेंगे तो फिल्म राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन की तरह तुम बच्चा गोद में लिए लिए हमको ढूंढती फिरोगी। इससे पहले कि सामरी पुनर्जन्म ले यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। क्यों भाई साहब? चलिए चलो, अब तो हो गया।